सांसद श्रीकांत शिंदे ने लिया मुमरा रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे पांचवी छठी लाइन के काम का जायजा। क्या कहा सांसद श्रीकांत शिंदे? कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 4 अगस्त शनिवार को कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद, शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मुमरा रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा लिया। कलवा से लेकर कल्याण तक का यह दौरा था सांसद का। इस दरमियान उन्होंने मुमरा से गुजरने वाली पांचवी और छठी लाइन का काम कहां तक पहुंचा है, अधिकारियों से बातचीत की और पूरे इन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ में शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक बालाजी काकड़े, सुधीर भगत, अनवर कच्छी, अनीस कुरैशी, इमरान सैयद, शादाब शेख, आरिफ हाशमी, ये आदि मौजूद थे। इन कामों का जायजा लेने के बाद क्या कहा सांसद श्रीकांत शिंदे ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पांचवी और छठी लाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जो जो रेलवे से सफ़र करते हैं, आज सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कल्याण हो, अंबरनाथ हो, मुंबई का मैन पावर जो है वो पूरा कल्याण, अंबरनाथ, ठाणे, इस जगह से आप। और हम बहुत सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में काम अलॉट हुआ 2008-09, उसके बाद में बहुत सारी उसके अंदर दिक्कतें आई, लेकिन एक्चुअल काम जो है वो फॉलोअप के बाद 2018 में शुरू हुआ। जो जो उसके अंदर हर्डल्स थे, जो जो कठिनाइयाँ थे, वो कठिनाइयाँ दूर करने का काम हमने 2018 से शुरू किया। और आज 2018 से 2021 इतने 3-4 सालों में आज ये पांचवी और छठी लाइन जो है पूरी होती हमें नज़र आ रही है। आने वाले फेब्रुवरी तक 2022 ये पूरी लाइन जो है वो तैयार हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त लोकल सर्विसेज जो है वो हमें यहाँ पर चलाने के लिए मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी आएगी तो लोकल को रुकना पड़ता था, लेकिन जब ही पांचवी और छठी लाइन आ जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी, तभी हर दो लाइन स्लो के लिए, दो लाइन फास्ट के लिए और दो लाइन एक्सप्रेस के लिए कहीं भी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से कल्याण तक कहीं भी एक्सप्रेस गाड़ी के लिए लोकल को रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जब भी एक्सप्रेस गाड़ी आती है, तभी हर एक्सप्रेस गाड़ी के पीछे तीन लोकल हैम्पर होती है, तीन सर्विसेज हैम्पर होती है। तो आने वाले समय में ये सब होगा नहीं, और 25 से 26 सर्विसेज, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर हमें अतिरिक्त बढ़ सकती है। तो इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस कल्याण लोकसभा के लिए, और आज उसका काम जो है वो लास्ट स्टेज में हमें देखने के लिए मिल रहा है। जल्द से जल्द ये ऑपरेशनल कैसे होगा, इसके लिए हमारा प्रयास और MRVC काम पूरी जोरों शोरों से शुरू है। कोविड के दरमियान थोड़ा काम रुक गया था, लेकिन फिर से काम शुरू हो चुका है। तो आज फिर से ये काम शुरू हो गया है, और आने वाले फेब्रुवरी तक ये काम पूरा होगा और लोगों को अतिरिक्त सर्विसेज जो है वो मिलेगी।